खुराना जी आज हाईकोर्ट में फैसला आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ? देखिए, जो ये याचिका थी SGPC द्वारा माननीय हाईकोर्ट में डाली गई थी, और ये याचिका डालकर कोर्ट को ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जो ये पैरोल और फरलो दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं दी जा रही। तो इस पर माननीय हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा को ये डायरेक्ट किया था कि जो ऐसे सिमिलर केसेस के और कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप ये कंसेशन दे रहे हो, पैरोल और फरलो दे रहे हो। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट फाइल करके ये जवाब दायर किया था कि कुल 89 ऐसे लोगों की इन्होंने लिस्ट दी कि जिनको स्टेट ऑफ हरियाणा ये पैरोल और फरलो ग्रांट कर रही है। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को बोला अब आप ऐसे लोगों की एक लिस्ट दीजिए कि जिन जो सिमिलर केसेस वालों को जिनको ये पैरोल और फरलो ग्रांट नहीं दी गई, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट के माध्यम से इसका भी जवाब दायर किया हाईकोर्ट में, और सिर्फ दो लोगों की ऐसी लिस्ट आई जिनकी रिजेक्ट की गई थी, जिसके पीछे कारण था। एक का तो ये कारण था कि जब उनको पैरोल दी गई थी और उनका समय जब समाप्त हुआ उस समय पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, और दूसरा क्या एड्रेस वेरिफिकेशन का इश्यू था, इस वजह से उनकी रिजेक्ट की गई थी, बाकी किसी की रिजेक्ट नहीं की गई। तो कल इस पर सुनवाई पूरी हो गई थी माननीय हाईकोर्ट में, तो आज ये ऑर्डर पे था, प्रोनाउंसमेंट पे था। तो माननीय हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि स्टेट ऑफ हरियाणा की जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो पैरोल और फरलो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू हरियाणा गुड प्रिजनर एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बनती है, उन्होंने इस एप्लीकेशन को डिसाइड करना है। आगे से जब भी ये पैरोल या फरलो लगाएंगे तो स्टेट ऑफ हरियाणा की जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वही इसको डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, और पूज्य गुरु जी को फरलो या पैरोल दी जाएगी।